के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में यूरिया सप्लाई में हुई गड़बड़ी को लेकर अफसरों की मीटिंग बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त ने बताया कि खाद डाइवर्ट करने पर फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का वायलेशन हुआ है। 3A, 3B, 3C एक्ट की धाराओं के अंतर्गत आज ही एफआईआर की जाएगी। वहीं हाई कोर्ट ने नरसिंहपुर जिले में 6 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में नरसिंहपुर के सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को 35 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया। न्यायमूर्ति सुधारवा न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता की युगल पीठ ने संशोधित आदेश पारित किया। संशोधित आदेश आनंद कोल के द्वारा की गई अपील की सुनवाई के बाद हुआ, जहाँ हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए नरसिंहपुर सेशन कोर्ट का आदेश संशोधित किया जाता है। आरोपित की ओर से अधिवक्ता अभय गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। 23 नवंबर 2019 को पीड़िता की मां ने पुलिस चौकी बरमान में अपनी 6 वर्ष की बेटी की गुम होने की सूचना थाने में दर्ज कराई थी। इस पर गुम इंसान का प्रकरण पुलिस के द्वारा कायम किया गया था। वहीं 24 नवंबर मिडिली टोरिया ग्राम में बने माल गोदाम में मासूम बालिका का शव बरामद किया गया था। खबर और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।